फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैंने ये मेकअप लुक आपको बताया है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पर अप्लाई करने के लिए बताई है वो भी केयरफुली देखिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपके पास नहीं हैं तो आप उनको ख़रीद सकते हैं, मैंने बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें बताई हैं। फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ चीज़ों में तो हमें डेफिनेटली हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक चलती हैं और फ्रेंड्स ये चीज़ें हमारी जो खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसका मैं आपको सब्स्टिट्यूट बताऊंगी और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे उसमें जो आप अपने लिए खरीद सकती हैं अपने मेकअप लुक को एनहेंस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेकअप्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति'स वर्ल्ड एंड लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वाति और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल। अगर आप फैशन, ब्यूटी, मेकअप, हेयर केयर और हेयर स्टाइल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है swatiwashne14 और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। फ्रेंड्स, ये मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके लिए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, जिनके पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं होता मेकअप का या बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहती मेकअप में, वो कम से कम सामान में अच्छी दिखना चाहती हैं, ब्यूटीफुल दिखना चाहती हैं। जैसा कि जो सारी लेडीज़ होती हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखना हर लेडी चाहती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये कम से कम प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप लुक क्रिएट किया है, ग्लैम मेकअप लुक। इसको आप किसी भी पार्टी में क्रिएट कर सकती हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेकअप सब लेडीज़ करती हैं अपने अपने तरीके से, सब अच्छा अच्छा मेकअप करती हैं, बट फ्रेंड्स अगर आप उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगी, थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर देंगी तो फ्रेंड्स आपकी जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो यूज़फुल लगे, अच्छा लगे तो गिव अ बिग थम्स अप और शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि वो भी इस तरह का जो लुक है वो क्रिएट कर सके। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर डाबर का गुलाबारी गुलाब जल ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स इससे मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी एक कॉटन वाइप की हेल्प से। तो फ्रेंड्स गुलाब जल जो होता है ये हमारे फेस को क्लीन तो करता ही है, साथ ही ये हमारी स्किन की टोनिंग भी करता है। तो फ्रेंड्स जब भी आप अपना कोई भी मेकअप स्टार्ट करें तो गुलाब जल से स्टार्ट करें फेस वॉश करने के बाद। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बायोटिक का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप लाइट मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो सबसे पहले आप कोई भी ऑयल या सीरम अप्लाई कीजिए और उसके बाद आप ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए या कोल्ड क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल ले रही हूँ वाव का। तो फ्रेंड्स आप कोई सा भी ब्रांडेड एलोवेरा जेल ले सकते हैं, बस वो प्लांट का नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल वे में आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हम हाउसवाइफ्स हैं वो किस तरह से मेकअप को क्रिएट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा स्किन केयर, तो ये तो सबको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम अपने लिप्स को भी नरिश ज़रूर करें रोज़। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पर स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर ले रही हूँ। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है ये, आपको 250 की रेंज में मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन इसको देखते हैं तो आपको ये अंडर 200 की रेंज में मिल जाएगा। फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही इसकी शेल्फ लाइफ है बहुत अच्छी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लेंगे विंटर सीज़न के हिसाब से फ्रेंड्स आपके जो फेस होगा बहुत ही ज़्यादा ग्लोई ग्लोई फील करेगा, ये आप देख सकते हैं जैसे कि अभी आप किसी पार्लर से आए हैं। तो फ्रेंड्स ये पहला प्रोडक्ट है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइट। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लेडीज़ के पास ज़रूर होनी चाहिए, जिससे हमारा जो मेकअप है इंस्टेंट हो जाता है और हमारा जो लुक भी है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ अपने पिगमेंटेड एरिया पर, तो जैसे कि हमारा अंडर आईज एरिया होता है या पर आई एरिया होता है तो वो थोड़ा सा डार्क होता है, तो उसको मैं कवर अप करने के लिए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और उसको मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से
मर्ज कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये आप किसी स्पंज से भी कर सकते हैं, ब्रश से भी कर सकते हैं, बट ब्यूटी ब्लेंडर फ्रेंड्स बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में 30-40-50 रुपए में आपको मार्केट में ये इजीली मिल जाएगा। फ्रेंड्स एक आप ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आपके मेकअप को एक अच्छी फिनिश देने के लिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने कर लिया, बट मुझे माउथ एरिया पर भी थोड़ा सा डार्कनेस लगी तो मैंने यहाँ पर भी अप्लाई कर लिया, और मैं अपने जॉ लाइन के ऊपर जैसा कि आप ये देख सकते हैं वहाँ पर भी इस तरह का एक जो शेप है वो क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आज कोई भी कंटूर स्टिक या कंटूरिंग नहीं करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये इसको ब्लेंड कर लिया है, थोड़ा माउथ एरिया मुझे डार्क लग रहा है तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा कंसीलर है उसको अप्लाई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाता है। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा डार्क एरिया है माउथ वाला तो आप यहाँ पर पहले कलर करेक्टर यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो कलर करेक्टर स्टिक है उसको यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स उसके लिए मैं एक हैक बताती हूँ, रेड या ऑरेंज लिपस्टिक लेकर आपको अपने डार्क एरिया पर पैट डाउन करना है और उसके बाद कोई भी फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद सेट करने के लिए कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पर मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स हम लोगों के पास जो कॉम्पैक्ट होते हैं फेस पाउडर होते हैं बहुत ही इजीली मिल जाएंगे, कोई भी लेडी ऐसी नहीं होगी जिसके पास जो कॉम्पैक्ट है वो नहीं हो, तो उसे हम अपने फेस को सेट कर लेंगे। फ्रेंड्स नेक को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जो है ड्रेस पहन लेते हैं बड़े बड़े गले की और हमारा नेक अलग दिखता है और हमारी जो फेस हो वो अलग दिखता है। अगर आप बैक साइड में भी डीप गला पहनती हैं तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट अप्लाई ज़रूर कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर हिलेरी डोटा की आईब्रो पैलेट ले रही हूँ। फ्रेंड्स बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ये, अंडर 150 हमें ये मिल जाता है, 3 शेड्स में अवेलेबल है और इसके साथ हमें एक ब्रश और एक स्पूली मिल जाती है। 3 शेड्स हैं, आपको अपनी आईब्रो की जो कलर है उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिल करने के बाद आप डिफरेंस देख सकते हैं, मैंने अभी एक आईब्रो जो है वो फिल की है और दूसरी आप देख सकते हैं एक डेफिनेशन मिल जाती है हमारे फेस को। तो फ्रेंड्स इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट आपकी वैनिटी में ज़रूर होना चाहिए, दिस इज़ द मस्ट बाय प्रोडक्ट। तो आप ये देख सकते हैं आपने आईब्रो को शेपिंग किया और उसके बाद आप इसको कॉम कर सकती हैं, कोई भी आपको अलग से स्पूली वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पर शुगर का 3-in-1 पैलेट लिया है और मैंने ये पिंक कलर पिक किया है, इसे मैं अपने आई शेडो की तरह लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स इसको मैं पूरी अपनी आईलिड पर अप्लाई कर लूंगी, ये आप देख सकते हैं, और फिंगर की हेल्प से ही कर रही हूँ, कोई भी मैंने यहाँ पर ब्रश यूज़ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स आपको भी कोई भी ब्रश वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं आता ब्रश से मेकअप करना तो सिंपली आप फिंगर से कर सकती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसी शेड को लेकर अपना ब्लशर अप्लाई करूँगी, तो इसको मैं थोड़ा सा स्माइलिंग फेस करके अप्लाई करूँगी फिंगर की हेल्प से। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेंडेबल कलर है ये, और इसका जो कलर ऑफ पिगमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स इस तरह की कोई भी पैलेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स शुगर का चाहें तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं, अंडर 800 ये आपको मिलेगा, अदरवाइज़ आप कोई भी लोकल मार्केट से इस तरह का जो पैलेट है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी में से मैंने हाइलाइटर शेड लिया है, उसे मैं अपने जो हाइलाइटेड एरिया है वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, नोज़ पर, चीक पर, और अपना जो चिन एरिया है और अपना फोरहेड है वहाँ पर, मींस हाइलाइटेड एरिया पर हम इसको अप्लाई करेंगे फिंगर की हेल्प से। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है मेरा मस्ट बाय प्रोडक्ट जिसको मैं रिकमेंड करूँगी। फ्रेंड्स अगर आपको बिल्कुल भी आई मेकअप करना नहीं आता है तो इस तरह का ग्लिटर आई शेडो है ये ले सकते हैं। फ्रेंड्स जिस ब्यूटी में भी ये आपको मिल जाएगा, और ये मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का यूज़ कर रही हूँ, मैंने ये अंडर 150 ख़रीदा है, कई शेड्स में अवेलेबल है। फ्रेंड्स 2 सेकंड में ये आपका जो मेकअप है डन हो जाता है आई शेडो का। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, पहले मैंने पिंक कलर अप्लाई किया है आईलिड पर और अब इसको मैं जो अपनी आई बोल है वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत ही ब्लेंडेबल है और बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स लाइनर तो हम सभी के पास है,
वो हमें यूज़ करना है। उसे आप विंग या जैसा भी आप लगाना चाहते हैं जो आपकी आंखों पर सूट करता है वो लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं विंग लाइनर कैसे लगाते हैं तो वो वीडियो मेरी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको जो लाइनर है तीन तरह से बताए हैं विंग लाइनर कैसे लगा सकते हैं ईजिली। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं लाइनर भी हमारा हो गया, वाटरप्रूफ है और 50-60 की रेंज में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर NYV की आई शेडो पेंसिल है वो यूज़ कर रही हूँ। ऐसे काजल फ्रेंड्स, आप कोई भी नॉर्मल काजल जो आप लगाती हैं वो यूज़ कीजिए। ये फ्रेंड्स मैं आपको एक सजेस्ट के लिए दे रही हूँ कि अगर आप चाहें तो आप ये ले सकती हैं, इसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है ब्लू हेवन का मस्कारा, वॉक फ्री मस्कारा। तो फ्रेंड्स, अंडर 100 ये आपको इजीली मिल जाएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, लॉन्ग लास्टिंग है और हमारी जो लैशेज हैं वो बिल्कुल इंस्टेंटली कर्ल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मस्कारा इज़ मस्ट बाय प्रोडक्ट इन योर वैनिटी। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इनसाइड कॉस्मेटिक की लिप कलर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको अंडर 100 मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा जो प्रोडक्ट है ये है, आपको ये सेटन फिनिश देता है और आपके जो लिप्स हैं उसको भी ड्राई ये नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आप ये ले सकते हैं, अंडर 100 में आपको बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे मस्ट बाय प्रोडक्ट है। तो इस तरह के आप कलर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस तरह का ले सकते हैं। आज मैं आपको दूसरा जो ऑप्शन है वो भी बता रही हूँ। अगर आप ब्लड लिपस्टिक में लेना चाहते हैं तो आप ब्लू हेवन की लिपस्टिक ले सकते हैं, अंडर 180 की रेंज में ये आपको मार्केट में और ऑनलाइन अवेलेबल है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको अंडर 100-200 की रेंज में मोस्टली प्रोडक्ट बताए हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हैं, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मस्ट बाय हैं, आपके पास होनी ही चाहिए आपकी वैनिटी में, आपके मेकअप लुक को एनहेंस करने के लिए। उसके बाद आती है मेकअप फिक्सर की बारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हुदा ब्यूटी, स्विस ब्यूटी और इनसाइड का जो मेकअप फिक्सर है वो इजीली अवेलेबल है, अंडर 250 की रेंज में आपको ये मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चॉइस इज़ योर्स। मेकअप अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फाइनल लुक इज़ हेयर।